अस्सलामुअलैकुम जी, यहाँ कराची में एक और दरगाह है, मैं उस दरगाह पे अभी आया हूँ। दरगाह मिस्री शाह, ये मिस्री शाह के नाम से ये दरगाह मशहूर है, गाजी मिस्री शाह। ये दरगाह के जो सहन है, अतराफ में दुकानें हैं फूलों की, जूते यहाँ पर उतारते हैं, उतारते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। कराची में औलिया अल्लाह के जो मज़ारात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अल्लाह के जो वली हैं उनके काफ़ी मज़ारात हैं कराची में, उन्हीं में से एक मज़ार ये भी है। ये मावद बिन कासिम के ज़माने के ये हो गए, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा हो गए, ये सब शाह गाजी सरकार हो गए। ये मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने के उन्हीं के काफिले के आए हुए हैं। तकरीबन ये बहुत पुराना मज़ार है, ये पूरा समंदर था किसी टाइम पे, ठीक है। और ये जो है ना तकरीबन पूरा रेगिस्तान का इलाका था। ये हैं मिस्र के हज़रत सैयद मिस्री शाह गाजी रहमतुल्लाह, इनका नाम है, ठीक है। और ये मिस्र से आया के इन लोगों ने इधर अपना मकाम बनाया हुआ, ठीक है। ये आज से तकरीबन 50 साल पहले या 100 साल पहले पूरा समंदर था, रेगिस्तान था, ठीक। फिर आस्ते आस्ते आबादी बढ़ती रही, लोगों को शोर मिला, लोगों का फैज़ जारी रहा, तो इनका अल्लाह के हुक्म से ऐसा एक निज़ाम चला जो अपने पर ये छत भी नहीं छोड़ते थे, ये बड़े जला लिए। इनके जब हो गए तो तुरबत नज़र आया तो ये कच्चा मिट्टी में थे, तो हमारे नाना को नज़र आया अबू बाबा को, हमारे नाना का नाम अबू बाबा थे, अच्छा। तो उनको नज़र आया तो उन्हीं लोगों ने इनका खिदमत करना शुरू किया और इनके गद्दी नशीन बन गए। फिर उन्हीं से अल्लाह पाक ने इनको खिदमत का मौका दिया, तो हम उन्हीं के नवासे हैं। हम ही ये जो है ना अभी इधर बैठे रहते हैं, सालाना उर्स मुबारक होते हैं जो हम लोग इधर खिदमत वगैरह लंगर में करते हैं, समझ गए। ये तो दुकान भी है अपना, चलो छोटा सा एक रोजी का दरवाज़ा, ठीक है। मस्जिद इनका सालाना उर्स होता है हज के महीने में, चांद की 25 से लेके चांद की 29 तक, जिला हज के महीने में इनका उर्स मुबारक होता है, और माशाल्लाह काफ़ी दुनिया आती है इनके उर्स में इधर, जी हज के महीने में होते हैं। जब मुहर्रम का चांद दिख जाते हैं तो इनका उर्स शरीफ ख़त्म हो जाता है। हमारे इधर के पहले नाना साहब थे अबू बाबा, जो इनके गद्दी नशीन थे, जो सरकार के खलीफे भी थे। फिर उनके विसाल के बाद महकमे औकाफ आ गया, उसने कब्ज़ा किया। हम लोगों का उम्र तकरीबन 12 साल था। तो ये अल्लाह का शुक्र है जो उनके सरकार के कदमों में हमारा नाना का कब्र भी है, तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है इसी तरह। इनका सालाना और शरीफ जो भी होता है, जो हम लोग लंगर वगैरह करते हैं, लोग हम लोग के साथ तावन वगैरह करते हैं, उन्हीं के जो है ना, तो फिर से अल्लाह पाक आगे सिस्टम चला रहे। ये दुबाशिफ के हाथ में ही मस्जिद अमीर है, और इस मस्जिद का नाम भी जामिया मस्जिद औलिया हज़रत सैयद मिस्री शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह है, माशाल्लाह। और काफ़ी बड़ी मस्जिद अमीर की गई इधर, ये मस्जिद का जो नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको मैं। दरबारशिफ का दरवाज़ा है इस, माशाल्लाह इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये देखें, इस पे इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और इसका नाम भी यही है कि बाबे सैयदना मिस्री शाह। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को इस खित्ते में फैलाया, और ये उन औलिया में आते हैं जो कि शुरू के दौर में इस खित्ते में आए और दीन की खिदमत की। और हम लोगों को चाहिए कि इनके मज़रात और इनके दर पे आके हाजिरी दें, और इनके दर पे आके दुआ मांगें कि अल्लाह पाक इनके तवसल से हमें भी हिदायत नसीब फरमाए, और जो जो तालीमात इन्होंने दी हैं हमें
अल्लाह पाक हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप लोगों के बीच ये कि वो आप भी औलिया अल्लाह के मज़ारात में आएँ, वहाँ पर दुआ मांगें, और जो जो काम और जो जो तालीमात दीन की उन्होंने सिखाई हैं और बताई हैं, हमें चाहिए कि हम उन पर अमल करें, और यही निजात का ज़रिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इन करीब हम किसी और हस्ती के दर पर हाज़िर होकर वहाँ की वीडियो भी बनाएंगे और आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।